ये है नॉर्मल ओरियो बिस्किट, पर हट तू। और ये है दुनिया का अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अगर मम्मी को पता लग गया ना कि मैंने उनका ये उठाया, तो वो मुझे ना मैश कर दें। पहले प्रेस करे, फिर लिख करे, फिर इनको साथ लाए। अर्ज किया है बचपन में जो हम गेम खेलते थे उसे कहते हैं सुपर मारियो, और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओरियो। सो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल में देख के समझ आ गया होगा नहीं कि ये है दुनिया का सबसे छोटा मतलब नॉर्मल ओरियो बिस्किट, और आज की वीडियो में हम बनाएंगे सबसे बड़ा ओरियो बिस्किट। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे एक मसला पेश आया था, जो ये वाला आप देख सकते हो, इस ओरियो की वाइट क्रीम है। मुझे थोड़े से वो बिस्किट्स मिले थे जिनकी वाइट क्रीम है, और बाकी सारे जो थे वो चॉकलेट वाले थे। तो यही मैं सोच रहा था कि मैं वाइट क्रीम कैसे बनाऊं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वाइट क्रीम उसी चॉकलेट वाली में मिक्स करके चॉकलेट वाली ही बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये तो वो सस्ती ट्रांजिशन थी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, मगर इसे बनाने में इतना टाइम लगा था ना। ये देखो गाइस, आप देख सकते हो इन ओरियो बिस्किट्स को खोलना, फिर डालना, इन सबको मैंने ऐसे किया, इतना मेहनत लग गया था ना। इसीलिए गाइस, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी मेहनत का रिवॉर्ड ही समझ लो इसको। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। ये है व्हाइट वाला ओरियो और ये है ब्लैक क्रीम वाला ओरियो, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। और जिस तरीके से ओरियो बिस्किट काले हैं, वैसे ही मेरी शर्ट भी काली है, बाल भी काले हैं, ऐनक भी काली है। पहले प्रेस करे, फिर लिख करे, फिर इनको साथ लाए, फिर खाओ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, मैंने इन सब की क्रीम अलग कर ली है, बस अब ये वाले रहते हैं। जब तक मैं इनकी क्रीम अलग करता हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। 3 सेकंड्स हैं, 3, 2, 1, कर लिया। चलो ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो, और जो भी अच्छा सा कमेंट दिल में आए वो कर देना। ओरियो बिस्किट बना रहे हैं, ओरियो ब्लैक है, तो आप लोग ब्लैक हार्ट कमेंट में कर देना, ठीक है। तो गाइस, चलिए अब इन ओरियो बिस्किट्स को क्रश करते हैं और अपना कारनामा सर अंजाम देते हैं, देखते हैं बनता भी है या नहीं। तो गाइस, मैं अब इन ओरियो बिस्किट्स को बोल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। गाइस, इन ओरियोज को मैश करने के लिए मैं लेके आया हूँ आलू का मैशर। अगर मम्मी को पता लग गया ना कि मैंने उनका ये उठाया, तो वो मुझे ना मैश कर दें। गाइस, दिखने में इतना आसान लग रहा है मगर है नहीं, आसानी से ये होंगे तो नहीं। तो गाइस, इस मैशर से जितना हो सकता था मैंने किया, मुझसे अब और नहीं हो रहा है। इसे ग्राइंडर या फिर ब्लेंडर में डाल के करना पड़ेगा और तब ये होगा। वैसे मैं आप सबको अपनी स्कीम बता दूं, वो ये है कि अब जैसे ये मैं इसका चूरा करूंगा और इसमें पानी डाल के इसको आटे की तरह गूंद लूंगा, और फिर उसके बाद इसको रोटी की तरह गोल मतलब जैसे ओरियो होता है बड़ा, बड़े ऐसे दो गोल बनाऊंगा, और फिर उनको ओवन में बेक करूंगा, और उसके बाद उन पर क्रीम लगा दूंगा। ये क्रीम तो बहुत थोड़ी है, बट आई थिंक मुझे चॉकलेट मिलाना पड़ेगा या फिर व्हिप क्रीम, मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा, तब ये जाके सही होगा। तो गाइज, मैं उस दिन तो सारा काम नहीं कर पाया था, और अब नेक्स्ट डे हो चुका है और मेरे बाल भी कट गए हैं, मुझे सैडली कहना पड़ रहा है। दोस्तों, मैंने ओरियो बिस्किट्स को क्रश करके उनमें पानी डाल के उन्हें आटे की तरह गूंद लिया, फिर उसको ऐसे गोल करके उसके दो हाफ कर लिए, और ये देखो गाइज, मेरे नाखूनों पे भी लग गया सारा। और ये जिस चीज़ पे रख के हम रोटी को बड़ा करते हैं, मुझे ख्याल है कि हाँ, ये तो मैंने उल्टा रखा हुआ है।
तो देखो गाइस, मैंने ओरियो का जो एक पार्ट है वो लंबा करके रोटी की तरह बड़ा कर लिया। अब इसको टाइम है ओवन में रख के बेक करने का, ताकि वो कुकी की तरह सख्त हो जाए। और हाँ गाइस, ये देखो, ये ना मेरे हाथ जितना बड़ा है। गाइस अभी जो है मैंने अपने ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया, फिर उसमें जो मैंने ये बनाया था इसको फिर रख दूंगा। ये मतलब ओरियो का एक पार्ट है। यार गर्मी हो रही है, ओवन भी गर्म हो रहा है, मुझे ना गर्म कर दे। तो आई थिंक मेरा ओवन गर्म हो गया, इसे रखने का टाइम आ गया है। तो गाइस हमारा ओरियो का एक पार्ट तो बन के रेडी हो चुका है, बट इसमें ना एक पोपट हो गया। ये देखो, ये टूट गया था जब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफर कर रहा था, तो ये आधा टूट गया था, बट इसको मैं फिक्स कर लूंगा। अब बारी है दूसरे की। यार हिंदी में जैसे बोलते हैं ना पड़ाव, वैसे ये हमारी वीडियो तीन पड़ाव में डिवाइडेड है। तो पहले दिन जो था, मैंने ओरियोस को अलग किया, मतलब ओरियोस को अलग किया, उनके रैपर से उनको निकाला, और बस फिर उसकी क्रीम अलग की, उसको फिर फ्रिज में रख दिया। तो नेक्स्ट डे मैंने ये बड़े ओरियोस बनाए, और इसकी क्रीम जो थी उसको व्हिप किया, व्हिप तो नहीं, मतलब उसको एग बीटर से क्या बोलते हैं, मिक्स किया। और आज जो है हम इसको इस क्रीम को ओरियो पे लगाएंगे, इन दो बड़े टुकड़ों पे, फिर बन जाएगा हमारा बड़ा ओरियो बिस्किट। मुझे समझ नहीं आ रही वो जो ओरियो बिस्किट पे ओरियो लिखा होता है और वो डिज़ाइन मैं कैसे बनाऊँ। मेरे पास पाइपिंग बैग तो है नहीं जिससे मैं यूं करके लिखूँ, तो ट्राई करते हैं। ये है नॉर्मल ओरियो बिस्किट, पर हट तू। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा ओरियो बिस्किट, देख सकते हो गाइस आप। वैसे मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे पता नहीं कितना बड़ा हो, लेकिन गाइस ये नॉर्मल ओरियो बिस्किट से तो काफी ज्यादा बड़ा है। जितना बड़ा इसका ओ है ना नॉर्मल ओरियो बिस्किट उतना है। वैसे गाइस मेरे पास कुछ भी नहीं था डेकोरेशन के लिए, फिर भी मैंने चम्मच से ये लिखा है। बताओ ये सही लिखा है या नहीं, देख लो करीब से देखो। शायद थोड़ा सा बकवास लग रहा हो, बट हाथ से तो इतना ही बनता है। तो चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट ओरिजिनल ओरियो बिस्किट से अच्छा है या नहीं। ये तो मेरे मुंह में भी पूरा नहीं आ रहा। सो मच गुड। मैं तो कहूंगा ये नॉर्मल ओरियो बिस्किट से ये ज्यादा अच्छा है। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट्स में ना ब्लैक हार्ट कमेंट कर देना, क्योंकि ओरियो भी ब्लैक होते हैं। वीडियो खत्म हो गई। बंद करो यार, बंद करो कैमरा, बंद करो, मैं सब बंद। अब इसे खाऊंगा। रुको रुको रुको, ये वाली वीडियोस तो देखते जाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।